तो शायद हम पीक में आ गए हैं और ये खुशी होती है पीक में आने की, लेकिन थोड़ा सा और बचा है शायद। और यहाँ से जो सीन्स हैं भाई, क्या कमाल के हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, मोर टू कम बेबी, मोर टू कम। अभी थोड़ा और ऊपर चढ़ना है। घर मुझे कुछ हिलने का आवाज़ आ रहा है और मैं हूँ इस माउंटेन में, जो कि आप पीछे देख सकते हैं। इधर कुछ बज रहा है, कहीं शेर भालू ना हो बस वो। सुनाई दिया आपको? लेट्स फाइंड आउट क्या चीज़ है। शायद कुछ तो है। ओह शिट, वो एक पालतू जानवर है। सॉरी गाइस, मुझे बहुत डर लग गया था कि भाई इस जंगल में एक तो इतना आगे आ गया हूँ और कुछ आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। एनीवेज, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड हेल्दी। तो मैं अभी थोड़ा सा धूप में हूँ और हम यहाँ आए हैं। इस जंगल का नाम नहीं पता मुझे, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा सर्च करके, ठीक है? तो अभी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ। सो हमने अभी एक सांप का बिल ढूंढा है, एक नहीं बल्कि एक, ये दो और ये तीन है, ठीक है? तो ये सांप और चूहे के भी हो सकते हैं, मैं डर गया। तो अभी यहाँ से जाना चाहिए, ठीक है? तो चलो चलते हैं यहाँ से। और एक और उस तरफ एक पहाड़ है जो हम जाएंगे। अभी इसे चढ़ने में हालत ख़राब हो गई है, उतरने में तो ज़्यादा दम लगने वाला है नहीं, क्योंकि मुझे उस वाले में जाना था लेकिन वो वाला बहुत ही ज़्यादा दूर है और वहाँ चढ़ने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। दो बज चुके हैं, शाम हो जाएंगे तो उधर ही कैंपिंग वगैरह करना पड़ेगा, तो वो नहीं करना है अभी, किसी और दिन वो करेंगे। अभी आप देख सकते हैं जंगली बकरा, एक वहाँ है और एक उस तरफ है और इधर बहुत सारे हैं। सो जोक्स अपार्ट, ये जंगली बकरे नहीं हैं, ये पालतू बकरे हैं। ये देखो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ कम से कम 100-200 बकरे हैं, तो एक हम ले जाएं तो कोई दिक्कत होगा नहीं, लेकिन गंदी बात, नहीं करना चाहिए ये। अब फिलहाल आज हम लोग राइडर नहीं हैं, आज हम लोग पंटर बन गए हैं, थोड़ा स्कूटी वगैरह में घूम रहे हैं, ठीक है? तो चलो चलते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हम ये वाला पहाड़ चढ़ने वाले हैं। हमारे जो पीछे है, अभी इस वाले में हम गए थे जहाँ का आपने क्लिप देखा, और अभी हम लोग चढ़ने वाले हैं इसमें। तो पता नहीं रास्ता कौन सा होगा, पीछे से वो चिल्ला रहा है कि नहीं मत जाओ वहाँ भूत है, लेकिन हमको जाना ही पड़ेगा और हमारे पास ट्रैकिंग का कोई सामान नहीं है, तो देखते हैं चढ़ पाए तो ठीक, नहीं तो भी ठीक। और ये कुछ 100 मीटर या तो 120 मीटर का पहाड़ है। ये भाई तो ऐसे जाना पड़ रहा है, इतना छोटा रास्ता देखो। देख मेरा बैग। अच्छा वाला,
अच्छा जुमांजी देखे हो यार कोई? तो देखे हो आप? वो जो रास्ता था वो शायद कोई छोटे जानवर बनाए होंगे, शायद बकरी या तो कुत्ते, तो उसे पार करना था। बाकी ये तो आसान लग रहा है, तो छोटे लोग उसे पार कर लिए जैसे सुजल, हम बड़े लोग नहीं कर पा रहे थे। शायद हम पीक में आ गए हैं और ये खुशी होती है पीक में आने की, लेकिन थोड़ा सा और बचा है शायद। और यहाँ से जो सीन्स हैं भाई, क्या कमाल के हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, मोर टू कम बेबी, मोर टू कम। अभी थोड़ा और ऊपर चढ़ना है। चलो बॉयज आर ऑन द वे, आ जाओ आ जाओ। अब जो है स्लोप बहुत ही क्या बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं स्लोप कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अब थोड़ा खतरनाक होगा ऊपर चढ़ना, तो चलो देखते हैं कितना ऊपर हम चढ़ सकते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स हैं तो उनके शाखाओं को पकड़ना चाहिए और उनसे सहारा लेके ऊपर जाना चाहिए। लेकिन एक बार मेक श्योर करें कि जिस शाखा को आप पकड़ रहे हैं वो मजबूत है कि नहीं, ठीक है। तो अभी हम पीक पे तो पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही घना जंगल है, तो ऊपर से दिख नहीं रहा कि हम कितने हाइट में हैं। तो हम एक ऐसा पेड़ खोजने वाले हैं जहाँ से हम आपको दिखा सकें कि हम कितना ऊपर आए हैं। कहाँ पे? यहाँ से दिखेगा, देख एक बार। सर तो ये पेड़ मिल गया है, तो मैं ऊपर जाता हूँ, अभी चढ़ता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ यहाँ के सीन्स। वैसे आपको दिख रहे होंगे लेकिन ऊपर से और अच्छा दिखेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा ऊपर चढ़ने में। अभी गया, अभी आया, ठीक।
देख के अलविया। तो अभी मैं आपको एक मिनट भाई तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छा सीन, जो कि 150 मीटर तो है ही, मेरे ख्याल से 200 मीटर ऊपर है सी लेवल से। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखो, तो ऐसे कुछ सीन्स हैं इधर के, और ये पेड़ के ऊपर चढ़ने से ही आया है, नहीं तो ये नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे कुछ सीन्स हैं, और अभी हमें पूरा नीचे उतरना है, तो नीचे उतरने के लिए अभी निकलना पड़ेगा, नहीं तो फिर शाम हो जाएगा, तो शेर भालू सांप जैसे चीज़ आ सकते हैं, तो वो सब हमें नहीं चाहिए, तो अभी नीचे उतरते हैं। सो हम नीचे आ गए हैं, जितना आसान चढ़ना था उतना ही कठिन नीचे उतरना है, और जितना कठिन ऊपर चढ़ना था उतना ही आसान नीचे चढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि चढ़ना भी आसान नहीं था और उतरना भी आसान नहीं था। मुझे थोड़ा उतरने में दिक्कत हुई, चढ़ने में तो ठीक ठाक चलो। और अभी एक और बाधा पार करना है, जो हम शुरू में देखे थे, जो सुजल शुरू में पार किया था, और अभी भी हम नीचे नहीं हैं, अभी हम थोड़ा ऊपर ही हैं, तो अभी नीचे जाएंगे। तो आज बहुत ही मज़ा आया ऊपर चढ़ के, खासकर उस पेड़ में चढ़ के बहुत मज़ा आया, क्योंकि वहाँ चढ़ के पूरा सीन दिख रहा था, पूरा कम से कम 10 किलोमीटर का इलाका पूरा दिख रहा था, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं अभी ट्रैकिंग चालू करने वाला हूँ, कहीं ना कहीं हम फिर से जाने वाले हैं, तो अभी मेरे साथ तो दो ही लोग हैं, लेकिन अगर कोई और जुटना चाहते हैं प्रतापपुर से तो वो आ सकते हैं, बस उन्हें बस मैसेज कर देना है मुझे कि हाँ हम भी चलेंगे। मैं डेट बता दे रहा हूँ कि हम संडे को जाने वाले हैं या तो सैटरडे को जाने वाले हैं कहीं ना कहीं, तो आपको जाना हो तो मेरे को मैसेज कर देना या तो नीचे कमेंट कर दो, हम आपको उठा लेंगे, ठीक है। ये एक ट्रैकिंग रैली टाइप होगा, तो ये हमने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। क्यों भाई, आज मज़ा आया कि नहीं? बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आज बहुत मज़ा आया है, ऐसे ही हम आए थे घूमने, लेकिन आज ट्रैकिंग भी हो गई और मज़ा भी बहुत आ गया, तो चलते हैं अभी उधर, ठीक है। तो जिस एरिया में हम हैं वो रात को बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि उस तरफ भालू भी रहते हैं और शेर भी रहते हैं, तो शेर कम है लेकिन भालू ज़्यादा हैं इस तरफ, तो इसीलिए हम लोग जल्दी उतर गए, ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत हो जाती। तो और हाथी तो आप जानते ही हो, छत्तीसगढ़ में हर जगह हैं, ठीक है। तो अभी इसे पार करना है, ये वाले को, तो बहुत ही मज़ा आया यार ट्रैकिंग करने में। हमें कुछ लोग चाहिए, क्योंकि 3 लोग में मज़ा नहीं आता, कम से कम 10 लोग रहे हैं तो ट्रैकिंग में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो ग्रुप में बढ़ जाते हैं और पहाड़ चढ़ने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो हमारा गाड़ी उस तरफ खड़ा है, अभी और चलना पड़ेगा, ठीक है। सो जिस एरिया में हम लोग ट्रैकिंग कर रहे थे, जैसे कि वो वाला जो पहाड़ था आप पीछे देख रहे हैं, हाँ वहाँ हम पीक में चढ़े थे, थोड़ा धीरे धीरे, तो वहीं हम पीक में चढ़े थे। तो ये जो एरिया है वो अमन दोन है, और ये प्रतापपुर से कुछ 6-7 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर है नहीं, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और उससे पहले हम ये वाले पहाड़ में थे, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है यार। तो जो रैली, जो ट्रैकिंग का जो रैली निकलेगा, उसमें कम से कम 20 लोग हो सकते हैं, तो 20 लोग हमें ज्वाइन करें, और हम बहुत ही अच्छा प्लेस डिसाइड करेंगे। हम सोच रहे हैं जजावल जाएं अगली बार सैटरडे को, तो जो जो आना चाहता है एक बार जरूर बताना मेरे को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, चैनल में ना हो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, शुक्रिया फॉर वॉचिंग। और अभी मैं रेगुलर रहूँगा, क्योंकि अभी मैं इंडिया से कुछ दिन में जाने वाला हूँ, तो अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं अपने होम टाउन को, और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।